एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। दीपावली मिलन समारोह के नाम पर भी राजनीति चल रही है। दीपावली मिलन समारोह में कांग्रेस नेता पीसी शर्मा से कुछ लोगों ने विवाद किया। पीसी शर्मा ने इसे कुछ लोगों का प्रायोजित विवाद बताया। विंध्य क्षेत्र के दीपावली मिलन समारोह में विवाद की स्थिति बन गई। बताते हैं दीपावली मिलन समारोह में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा का कुछ लोगों से विवाद हो गया। विंध्य क्षेत्र के लोगों ने पीसी शर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने विंध्य के लोगों को अपशब्द कहे हैं। इस बारे में कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि वे आमंत्रण मिलने पर दीपावली मिलन समारोह में पहुंचे थे और उनके साथ विवाद प्रायोजित तरीके से किया गया। देखिए, दीपावली का समारोह तो इनवाइटेड थे, हम भी तो गए थे, लोगों को मुबारकबाद देने मंत्री जी निकल गए थे, तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जुमा झटकी की बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। अब ये हार से बौखला गए। कल एक राठौर ने वार्ड नंबर 74 के अंदर एक बच्ची पांडे, उसके झुमा झटकी की, उसके घर में घुस गए, तोड़फोड़ की। अब इस तरह की हरकतें करने लगे, ये हार से बौखला गए। बाहर से भारतीय जनता पार्टी ने बैरागढ़ से कैंडिडेट लिया है, इनको यहाँ पे कैंडिडेट मिले नहीं, और ये बौखलाहट में इनको मालूम है कि यहाँ घर घर से मेरा नाता है, कांग्रेस पार्टी के हम लोग सब लगे हैं, गुंडागर्दी वो कर रहे हैं बीजेपी के लोग, ये बौखलाहट है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता शांत रहेगा, हम लोग जनता की सोची समझी रणनीति बीजेपी की, और यह हार की बौखलाहट। विंध्य प्रदेश का दीपावली मिलन कार्यक्रम था, हमारे विंध्य के 500 से 700 लोग यहां उपस्थित हुए दीपावली मिलन कार्यक्रम में, और बहुत अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुआ। और हमारे विंध्य की जनता, हमारे भाई बहन सब जब भोजन करने गए तो ये 5 गुंडों को लेकर के यहां पे मारा पीटी करने लगा। ये कांग्रेस की संस्कृति, ये पीसी शर्मा और उसके साथ वो गुड्डू, क्या नाम है वो पार्षद गुड्डू चौहान और 8-10 लोग, ये शोभा देता है। आज पूरा विंध्य इस घटना को देख करके उनके खिलाफ अगर 1% साथ में भी था तो वो भी उनसे कट गया है, उनको थू थू कर रहा, गाली दे रहा है। उन्होंने आते ही कहा, हमने कहा भाई आपको तो बुलाया नहीं था, ये बिंद का सामाजिक कार्यक्रम है और जो पहले से तय था उसमें आया कार्यक्रम है ये। बोले कि नहीं, आप बिंद के नाम से आप वोट मांग रहे हो, तो हमने कहा वो भी राजनीति है, मांगना होगा। बोले अब देख लेंगे, रिवाड़ियों को देखता हूँ मैं, बिंद वालों को देखता हूँ कैसे वोट दिलवा के जितवा लेते हैं। इस तरह से करके मेरे साथ जुमा झटकी करी, मारपीट करने की कोशिश करी। मैं निश्चित निर्वाचन आयोग में जाऊंगा और इसकी शिकायत करूंगा। अच्छी है ना, फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।